हाय फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहेंगे एक ऐसे पवित्र फ्लावर के बारे में जिसे केवल देखना ही किसी ब्लेसिंग से कम नहीं? लॉर्ड कृष्ण से ये कैसे जुड़ा हुआ है और इसे राखी फ्लावर क्यों कहते हैं और साथ ही इसे क्यों लगाए और कैसे केयर करें, जानने के लिए देखते रहिए हमारा ये वीडियो। हमारे चैनल में आप सभी को स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं इस पैसिफ्लोरा फ्लावर को घर में क्यों लगाएं। राखी जैसे दिखने वाला यह राखी बेल बहुत ही सुंदर तो है ही, ऊपर से बहुत ही खुशबूदार भी है। यह एक टेंड्रिलस भाइन है जिसे घर में, जमीन में और पॉट्स में भी इजीली हम लगा सकते हैं। ये देखिए, डिस्टिंक्टिव कोरोने के साथ पूरा फ्लावर सुदर्शन चक्र को रिजेंबल करता है और कहते हैं सेंटर में स्वयं कृष्ण जी का वास होता है, इसलिए इसका नाम भी है कृष्ण कमल। लेजेंड के अनुसार लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड महेश्वर तीनों ही इसी फूल में समाये हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, गौर से देखिए इसके 3 फिलामेंट्स जो कि होली ट्रिनिटी को दर्शाता है। किंवदंती के अनुसार कहा जाता है कि इसके जो पर्पलिस पेटल्स आप देख रहे हैं, ये टोटल 100 इन नंबर है जो कि कौरवस को दर्शाता है, और 5 येलो एंथर जो है ये 5 पांडवों को, इसलिए इसे कौरव पांडव फ्लावर भी कहा जाता है। ऊपर से सेंटर का ग्रीन बल्ब यानी स्टिग्मा हस्तिनापुर के रानी द्रौपदी को दर्शाता है। अभी तो आप जान गए होंगे प्रकृति का यह एक अद्भुत करिश्मा से कम नहीं। इस कृष्ण कमल के कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी है जिसे जीआई ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स, इंसोम्निया और स्किन डिजॉर्डर आदि में भी यूज किया जाता है। तो अभी यह मैजिकल एंड ब्यूटीफुल राखी फ्लावर को कैसे लगाए अपने घर में, आइए जाने। इसकी कटिंग को रूट हार्मोन में डिप करके आप रेनी सीजन में लगाए या फिर प्लांट नर्सरी या तो फिर ऑनलाइन इसे कलेक्ट करें। ये कृष्ण कमल एक टेंड्रिल बेयरिंग वाइन है। ये देखिए इसके टेंड्रिल, इसे अगर आप जमीन में लगाए तो वॉल या फिर फेंस के पास ही लगाए, और अगर पॉट्स में लगाते हैं तो फिर इसमें सपोर्ट दे या तो टाई करे इसे। ऐसे तो इसकी व्हाइट एंड रेड वेराइटी भी होता है, पर ये पर्पल वेराइटी बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसे चाहिए वेल ड्रेन्ड सॉइल, और पॉटिंग मिक्सचर को आप हाफ यानी 50% गार्डन सॉइल एंड 50% कंपोस्ट लेके ही तैयार करें। पैसिफ्लोरा को आप फुल सनलाइट वाले एरिया में ही लगाएं और मॉडरेट वाटरिंग करें। इसमें यूजुअली स्प्रिंग से ही बडिंग चालू होती है और अर्ली विंटर तक यह खिलता रहता है। विंटर्स में इसकी ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है, तो अब आप इसे थोड़े सेडी एरिया में शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें फ्रूट्स भी लगता है। बडिंग चालू होते ही आप इसमें ईच 15 डेज एनपीके फर्टिलाइजर दे और साथ ही मिट्टी को अच्छे से मिक्स करें, और अगेन ईच 15 डेज में हेल्दी ग्रोथ के लिए नीम ऑयल के साथ पानी मिला के इसे स्प्रे करें। तो दोस्तों, इसे घर में लगा के नेचर के मिस्ट्री को खुद एहसास करें और पूरे ब्रह्मांड के ब्लेसिंग्स को अपने ओर आकर्षित करें। और ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करें। स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू।